नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2 सितंबर 2020 को इग्नू के द्वारा डेटशीट रिलीज कर दी गई है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं उन लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम MCQ बेस यानी OMR बेस क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेंगे कि प्रिपरेशन कैसे किस प्रकार करनी है और दोस्तों इसके क्या 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 गलतियाँ हो सकती है स्टूडेंट से जिससे बचना है और किस प्रकार स्टडी किया जाए जिसमें बहुत अच्छा नंबर आ सके। तो आज मैं सारा कन्फ्यूजन को दूर करूँगा, इसलिए आप वीडियो को मैं कंटिन्यू बने रहेंगे। पहले दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि देखिए, इतने सारे जो एग्ज़ाम दिए गए हैं उन लोगों का एग्ज़ाम OMR बेस होगा, ठीक है। जिसमें देखिए, थर्ड नंबर में आप देख सकते हैं कि BLIS एंड CLIS भी है और बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो आप कंप्लीट वीडियो में बने रहेंगे और दोस्तों, आज मैं सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि किस प्रकार स्टडी करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या क्या गलतियाँ से बचना है। आप दोस्तों स्क्रीन में देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम के डेट दिए गए हैं और मैं यहाँ पे आपको BLIS के बारे में स्पेशल दिखा देता हूँ कि BLIS वाले कैंडिडेट के एग्ज़ाम कब हैं, ठीक है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 7 अक्टूबर 2020 से एग्ज़ाम स्टार्ट है BLIS 221 का और वो लास्ट 16 अक्टूबर 2020 तक एग्ज़ाम है जिसमें BLIS 229 16 तारीख को है। दोस्तों, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होंगे, यहाँ पे 227 नहीं लिखा गया है। कारण क्या है कि 227 का जो डेट शीट होगा, एग्ज़ाम का डेट होगा, वो आपके RC की वेबसाइट में अपलोड कर दी जाती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वाइज एग्ज़ाम होती है और आपके RC के द्वारा सेंटर डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो वो आप रेगुलर RC का वेबसाइट चेक करते रहेंगे, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। अब दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात कि इग्नू के द्वारा फर्स्ट टाइम BLIS या फिर जितने भी एग्ज़ाम की मैं बात किया हूँ उनका पहली बार ऐसा हुआ कि MCQ क्वेश्चन यानी OMR बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन तैयार होती है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, बुक अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगा, नेगेटिव मार्किंग तो खैर नहीं होगा, ये एकेडमिक पढ़ाई, इसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, इसके बुक मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, सारे कन्फ्यूजन मैं एक एक करके आज क्लियर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैं दोस्तों कल से इस चैनल में अकॉर्डिंग टू सिलेबस MCQ क्वेश्चन लाने वाला हूँ, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, कि आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये बिल्कुल नया पैटर्न है, नया एग्ज़ाम लेने का टाइप है कि OMR क्वेश्चन एकेडमिक पढ़ाई में कैसे प्रिपरेशन करनी है। मैं सभी बातों का आज चर्चा करूंगा और आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि MCQ क्वेश्चन बेस्ड एग्ज़ाम लिया जा रहा है OMR बेस्ड, तो क्या इसके बुक जो होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं है। अब दोस्तों, ये बहुत कॉमन बात है, आप खुद से सोच सकते हैं कि इग्नू के द्वारा कल ये डिसीजन लिया गया है कि एग्ज़ाम OMR बेस होंगे, इससे पहले कभी भी BLIS का एग्ज़ाम OMR बेस नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि BLIS एग्ज़ाम के लिए OMR यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। अब बात आती है कि क्या कुछ भी MCQ क्वेश्चन लाइब्रेरियन के अवेलेबल होंगे, तो बिल्कुल इसका जवाब है कि बुक अवेलेबल होंगे, लेकिन वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए जाते हैं कि आप BLIS कंप्लीट करने के बाद आप लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं उसके लिए होती है। अब दोस्तों, दोनों में अंतर क्या है पहले ये जान लीजिए। देखिए, दोनों में अंतर क्या है कि आपके जो BLIS में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो अकॉर्डिंग टू इग्नू सिलेबस आएंगे, ना कि KVS NVS और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं लाइब्रेरियन के, वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, दोनों में देखिए, दोनों में बराबर क्या है, समानता क्या है, समानता ये है कि जो सिलेबस में आपको BLIS में पढ़ना है वो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पढ़ने होते हैं, तो बिल्कुल उसमें सिलेबस आपको मिल सकते हैं, लेकिन उस वो क्वेश्चन का नज़रिया कुछ और होता है और इस क्वेश्चन का नज़रिया कुछ और है, क्योंकि इसमें आपको एकेडमिक पढ़ाई की जानकारी ली जाएगी और उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की जानकारी ली जाती है, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम तो दिए ही होंगे, आपको तो पता ही होगा। तो दोस्तों, अगर उस बुक को आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल उससे आपको बेनिफिट होगी, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। अब तैयारी कैसे करनी है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जब जो भी आप पहले पढ़ाई कर रहे थे बिल्कुल आपको उसी प्रकार पढ़ाई करनी है, जिस तरह आप सब्जेक्टिव पढ़ाई कर रहे थे उसी तरह पढ़ाई करनी है। अब क्या करना है कि बस आपको जब भी स्टडी करते हैं, बुक से स्टडी करें या नोट से करें, तो आपको एक पेंसिल लेके पढ़ाई करनी है। पेंसिल क्यों लेनी है वो मैं बताता हूँ। देखिए,
सबसे पहले ये जान ले कि अब एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे तो इसमें क्या होगा कि अगर आप डीपली पढ़ाई नहीं करते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सब्जेक्टिव में क्या था कि मान लीजिए अगर आप फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी पढ़ाई की हैं तो आपको जितने भी लाइब्रेरी के पांच प्रकार जितने भी पांच लॉ हैं लाइब्रेरी के वो आपको पता है, तो आप इस अगर पूछा जाता है कि सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी क्या होती है तो आपको सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी पता है तो उसका आप सब्जेक्टिव लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी या जो भी पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पुस्तक एक वर्धनशील संस्था है, ये कौन सा लॉ है, तो इसमें आपको ये जानकारी होनी चाहिए। मतलब आपको डीपली स्टडी करना होगा, पांचों लाइब्रेरी के जितने भी लॉ है उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप जब भी पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे आप पेंसिल से जितने भी छोटे छोटे पॉइंट है उसे टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद अपने माइंड में उसे आप एमसीक्यू क्वेश्चन बना के और प्रिपरेशन करना है दोस्त। और दोस्तों दूसरी बात कि मैं इस चैनल में कल से जितने भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर इसमें ला सकते हैं, इतने अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं जितना कि एक सब्जेक्टिव में करना मुश्किल होता, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं, नर्वस हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे कैसे देना है। बिल्कुल दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको पढ़ाई की स्ट्रेटेजी में बिल्कुल बदलाव नहीं लाना है। जिस तरह आप पढ़ाई करें उसी तरह पढ़ाई करके बस आप जितने भी क्वेश्चन को माइंड में ही एक क्वेश्चन क्रिएट करते जाएं और बनाते जाएं दोस्तों। इससे देखिए दो तीन बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या है कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखते थे हिंदी इंग्लिश में तो आपको पता ही, आप देखिए भी होंगे कि 60% लाना भी मुश्किल होता था। लेकिन इसमें अगर आपको नॉलेज और अगर आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जाहिर सी बात है इसमें नंबर कटने की कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा स्कोर हो सकती है, 80% भी आप मेहनत करके ला सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर अभी से आप एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको BLIS कंप्लीट होने के बाद अगर आप BLIS रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे यानी लाइब्रेरियन के लिए एग्जाम देंगे तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। बस थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करना होगा और बिल्कुल आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दो बेनिफिट। अब इसका एक नुकसान मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। देखिए नुकसान क्या है एमसीक्यू यानी OMR बेस्ड क्वेश्चन से कि आपको स्टडी अब डीपली करनी होगी। डीपली का क्या मतलब है कि जैसे कि स्पेशल लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले क्या स्पेशल लाइब्रेरी ये राष्ट्रीय पुस्तकालय जो नेशनल लाइब्रेरी है उसके मुख्यालय कहाँ है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और पहले क्वेश्चन क्या आ सकते थे कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य के बारे में बताइए। देखिए दोनों में क्या अंतर है कि कार्य के बारे में तो आप बता सकते हैं कि वो संस्कृति जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी रक्षा करना उनका राष्ट्रीय पुस्तकालय का काम है, वो कोलकाता में स्थित है, ये सब जानकारी आप उस समय लिख सकते थे सब्जेक्टिव। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपको एकदम एग्जैक्ट जानकारी होनी चाहिए कि वो कोलकाता में ही स्थित है। तो ये दोनों में अंतर है कि अब आपको डीपली स्टडी करनी होगी। अब दोस्तों देखिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो कि मैं आज तैयार किया हूँ। लेकिन दोस्तों बस आज ये एक क्वेश्चन का नमूना है, मैं कल से बेहतर क्वेश्चन लेके आऊँगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि पहला पेपर BLIS 221 यानी पुस्तकालय और सूचना समाज यानी लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है। अब देखिए इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि इसमें हिंदी और इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में बता रहा हूँ तो हिंदी वाली कैंडिडेट को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर मैं हिंदी में बता रहा हूँ तो इंग्लिश वाली कैंडिडेट को भी बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों देखिए जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, पुस्तकालय किस प्रकार की संस्था है। अब इसे आप हिंदी में पढ़ें इंग्लिश में पढ़ें वो तो मैंने आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक कन्फ्यूजन हो रही है उसका भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि मार्केट से अगर मैं बुक लेके पढ़ाई करता हूँ तो वो काम आएंगे या नहीं आएंगे। तो बिल्कुल वो काम आएंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए BLIS का जो भी सिलेबस बनाया गया है यही सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस उसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, उसका सिलेबस अलग होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर 100% आप उस बुक पे डिपेंड हो जाते हैं तो भी ये गलत होगा, क्योंकि इग्नू के सिलेबस तो आपको पता ही कि 2-1 पेपर से 2-9 पेपर तक के सिलेबस क्या है वो आपको पता है और मैं वो कई बार बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी जो कंप्लीट करवाऊंगा वो अकॉर्डिंग टू BLIS होगी, और इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले कैंडिडेट भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें से 65-70 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस कैसे किस प्रकार बन सकता है, और कल से मैं रेगुलर इसमें वीडियो लाऊंगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक आपके नॉलेज में जितने भी फेसबुक में व्हाट्सअप में टेलीग्राम में ग्रुप हैं उसमें अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि अभी ये पैटर्न और एमसीक्यू क्वेश्चन
जो है सभी के लिए नया है, सभी लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को बहुत सारे ग्रुप में देख रहा था कि सब सबके पास एक ही सवाल आ रहे थे कि मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे करूंगा, इसकी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, BLIS एग्जाम के लिए मटेरियल उपलब्ध नहीं है, बल्कि वो जो मटेरियल है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होती है, क्योंकि BLIS का तो कल अपलोड किया गया है कि इसका जो भी गाइडलाइन है वो कल बताई गई कि ये MCQ क्वेश्चन होंगे, तो जाहिर सी बात है मार्केट में तो होगी ही नहीं। तो चलिए हम लोग 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आपसे ये भी चर्चा करना चाहूँगा कि क्या इसमें किस प्रकार की पढ़ाई करनी है ताकि आपके नंबर काफ़ी अच्छे आ सकें। देखिए सबसे पहले पुस्तकालय किस प्रकार की संस्था है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए मैं ये कभी नहीं बोल रहा दोस्तों कि एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछे जाएंगे, बल्कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है कि क्वेश्चन किस प्रकार क्रिएट होते हैं, जो कि सिलेबस आपके बुक में है, आप बुक में देख सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है BLIS 221 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। दूसरी बात, संयुक्त राज्य अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा 18वीं शताब्दी के आरंभ में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो उस आंदोलन का नाम था समाज पुस्तकालय। थर्ड नंबर में क्या, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो वो कोलकाता में है, इसके लिए मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1948 में हुई थी, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं अभी आपको बस ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि किस प्रकार पढ़ाई करनी है, फिर कल से हम लोग कंटिन्यू अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। 6 नंबर में क्या दोस्तों, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कौन से एक्ट पारित करके की गई थी, तो ये क्या, इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम यानी इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1948 में पारित की गई थी। अब दोस्तों देश की सांस्कृतिक अध्ययन सामग्री की सुरक्षा राष्ट्रीय पुस्तकालय का मुख्य कार्य है, यह किसने कहा था, तो ये डॉक्टर रंगानाथन ने कहा था। 8 नंबर में आप देख सकते हैं कि राज समिति के अनुसार विश्वविद्यालय पुस्तकालय का कितना प्रतिशत बजट पुस्तकालय के लिए आवंटित किए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। 9 नंबर में क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूरी स्थिति की समीक्षा कर विश्वविद्यालय पुस्तकालय का नेटवर्क स्थापित किया गया था, वो कौन सा नेटवर्क था, इन्फ्लिबनेट। और 10 नंबर में क्या है, शंकर पुस्तकालय। देखिए शंकर पुस्तकालय क्या होता है, तो ये हाइब्रिड लाइब्रेरी होती है, ठीक है, हाइब्रिड लाइब्रेरी को ही हिंदी में शंकर पुस्तकालय कहते हैं। कब विकसित किया गया था, तो ये 1990 में विकसित हुई थी। दोस्तों देखिए अभी मैं 10 क्वेश्चन ही क्यों लिया हूँ, क्योंकि बस मैं अभी आपको एक प्लान बता रहा था किस प्रकार से पढ़ाई करनी है ताकि आपके नंबर बेहतर आ सकें, और बिल्कुल आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको और खुश होना चाहिए कि चलिए बहुत कम टाइम में रिजल्ट आ जाएंगे, और जितने भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी है उसको आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे और जितने जल्दी लाइब्रेरियन बन सकेंगे। और दोस्तों कल से मैं यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर शायद मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा तो परसों से मैं कंटिन्यू, हो सकता है मैं एक दिन में दो दो वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं वीडियो कंटिन्यू लेके आऊँगा। दोस्तों आप बिल्कुल रिलैक्स होके और आप पढ़ाई करें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट, मुझे पहले तो थोड़ा डाउट भी था कि रिजल्ट में क्या होगा, मुझे काफ़ी चिंता हो रही थी कि इतने कम टाइम में कैसे एग्जाम लिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों देखिए अभी आपके पास दो दो प्लस पॉइंट हो गए हैं, आप सोच सकते हैं कि आप कितने गुड लक हैं। पहला लक क्या कि एग्जाम आपका 7 अक्टूबर से होने वाला है, जो कि 17 सितंबर तक, कल तक माना जा रहा था कि 17 सितंबर से एग्जाम होंगे, लेकिन जो डेट शीट आने के बाद ये क्लियर हो गया। दूसरी बात दोस्तों कि MCQ क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत सारे उन कैंडिडेट को तो थोड़ा दिक्कत होगा जो डीपली स्टडी नहीं किए, लेकिन अभी भी कुछ आपके पास, अभी आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अभी भी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक महीने में आप 70% आराम से ला सकते हैं, एक्सेप्ट 2-7, मैं 2-7 छोड़ के बोल रहा हूँ, उसकी जो आप जिस तरह से तैयारी कर रहे थे उस तरह से आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि उसके बारे में MCQ के बारे में अभी कुछ नहीं बोला गया है, उसके बारे में बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। और कल से दोस्तों मैं आपको MCQ क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड एक एक करके करवाता रहूँगा, हो सकता है मैं कल मॉर्निंग में 2-1 का वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो इवनिंग में हो सकता है मैं 2-2 या 2-3 या जो भी हो मैं अपलोड करता रहूँगा। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको मेरी हेल्प क्या करनी है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, इसे आप थोड़ा सा कंपल्सरी समझें, ठीक है, कंपल्सरी, क्योंकि अगर अधिक लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुँचता है तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि चलिए मेरे वीडियो बनाने का कुछ भी बेनिफिट स्टूडेंट को हो रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप देख सकते हैं पूरे YouTube में कहीं भी MCQ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू BLIS सिलेबस नहीं करवाए जा रहे हैं, अभी तक नहीं करवाए गए हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा मेन उद्देश्य इस चैनल को खोलना था, कि स्टार्ट करने का कारण क्या था,
कि हिंदी मीडियम में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रही थी पढ़ाई करने में, वो मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ और अभी वो बात को मैं बाद में कभी कर लूँगा, अभी मैं पढ़ाई के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों बिल्कुल आप टेंशन फ्री होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ये सब नहीं सोचें कि MCQ क्वेश्चन होगा तो मैं एग्जाम में पास नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपके 70 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको 40% मार्क्स लाना है, यानी कि 28 नंबर के आसपास अगर आप लाते हैं तो आप आसानी से पास कर जाएंगे, फेल का तो सवाल ही नहीं उठता है, और 28 तो खैर आप ले ही आएंगे दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मैं जितने भी MCQ क्वेश्चन होता है उसका मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, ताकि आपको अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।